स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता प्रदीप संथालिया की याचिका को खारिज कर दिया है। प्रदीप संथालिया ने राज्यसभा चुनाव के दौरान धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी थी। बात हुए जाके और ऐसा कोई खास बात हुआ नहीं है। जिस दिन अमित महतो का जजमेंट हुआ, पनिशमेंट हुआ, वो उस पूरे दिन को लिया जाए, जबकि अमित महतो ने जिस दिन जजमेंट हुआ 9:15 में उन्होंने वोटिंग कास्ट किया था और सेकंड हाफ में उनका जजमेंट आया कि वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है। तो डिस्क्वालीफाई प्री डेट से नहीं होगा, वो पोस्टडेटेड होता है, माने वो पहले के डेट से माने 0 आवर से नहीं काउंट होता है। इसका लेके माननीय न्यायालय ने आज आदेश दिया है और एक एक जज उनका जो प्रेयर था प्रदीप संथालिया। निर्माणाधीन हाईकोर्ट भवन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बचे हुए काम के लिए नए सिरे से टेंडर और डीपीआर तैयार करने के लिए कहा है। वहीं कोर्ट ने ओरिजिनल डीपीआर के साथ भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार को 7 फरवरी को तलब किया है। जो है माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है सरकार को कि आप फ्रेश डीपीआर बनाइए और फ्रेश डीपीआर में जो ऑलरेडी डीपीआर बना हुआ था ओरिजिनल जो डेविएशन के पहले, वो उतना काम आप कंप्लीट कीजिए। उतना के लिए क्या पैसा लगेगा वो आप बताइए और उसको ठेकेदार को ऑर्डर किया है कंप्लीट करने के लिए, और फर्दर पेमेंट जो है नहीं करने के लिए कहा है, ऑलरेडी स्टे कर दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग वर्क है उसके लिए फ्रेश डीपीआर बनेगा, फ्रेश टेंडर होंगे, फ्रेश नोटिस होगा। ये सब मामले एक तरफ है। न्यायालय ने ओरिजिनल डीपीआर के साथ बुलाया है बिल्डिंग सेक्रेटरी सुनील कुमार को और अगले डेट में